अमेठी में एक साथ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी। अमेठी में सियासी सोमवार में मचा घमासान। राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे तो लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना तो करना पड़ा था, लेकिन 2024 से पहले क्षेत्र पूर्व सांसद अपनी स्थिति मजबूत करने की जुगत में लग गए हैं। राहुल की न्याय यात्रा को चुनौती देने सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर कांग्रेस की तरफ से तो भव्य तैयारी की गई। वहीं राहुल गांधी के दर्जन भर स्थानों पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत की तैयारी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ। राहुल गांधी अमेठी और गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा करें। राहुल गांधी के गांधी नगर के पास एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी आयोजित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल। दूसरी तरफ भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई। उनके भी जनसंपर्क कार्यक्रम भाग लेने की योजना तैयार है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रदीप सिंघल ने कहा, राहुल गांधी प्रतापगढ़ के रास्ते अमेठी की सीमा पर स्थित कोहरा गांव में प्रवेश। पुलिस लाइन ककवा ओवरब्रिज चौकी मस्जिद अमेठी सिगरा तिराहा देवी पाटन मंदिर बारामासी टिकरिया महिला थाना मोड़ स्टेट बैंक गौरीगंज में उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने राहुल को घेरा, ठीक उसी रणनीति पर भी काम करती नजर आ रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच स्मृति ईरानी भी सोमवार से 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में आधमकी। स्मृति ईरानी वहां 2 दर्जन गांवों में जन संवाद विकास यात्रा में शामिल होंगी। वहां अपने नए घर में प्रवेश करेंगी। राहुल गांधी ने अमेठी में हार के बाद से इस तरफ आना ही बंद कर दिया। पिछले 5 सालों में काफी कम वे अपने संसदीय क्षेत्र में नजर आए, लेकिन स्मृति ईरानी अपने घर में अपना दबदबा मजबूत बनाने की हर कोशिश करती नजर आती है।